Hello students, welcome back. In this video lecture, we will study class 9th, exercise 2.5 and question number 5, factorization. Again, factorization और वो भी 3 variable के लिए. तो सबसे पहले 3 variable जो identity है, उसको हम देखें तो that is x plus y plus z whole square. ये previous video lecture में हमने identity देखी थी और कैसे लर्न करना है ये भी सीखा है. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स. इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों का पहले स्क्वायर करना है, फिर दो दो टर्म का टू के साथ मल्टीप्लाई करना है. दैट इज टू एक्स वाई टू वाई जेड एंड टू जेड एक्स. इस तरह से आप ये आइडेंटिटी लर्न कर सकते हैं. अब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा था कि अगर हमें कोई आइडेंटिटी या सॉरी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो तो हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली वो थोड़ा इजी था. अब इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम इस फॉर्मेट से आइडेंटिटी को कन्वर्ट करके ओरिजिनल हमारी जो आइडेंटिटी होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई माइनस 24 वाई जेड माइनस 16 एक्स जेड. दिस इज अवर क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, कंपेयर करते हैं कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे बनेगा. कुछ कोशिश करेंगे कि इजी से इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट कंपेयरिंग विथ दिस. अब देखो आप कंपेयर करें तो हमें अभी यहाँ क्लियरली विजिबल है कि ये हमारे बैक साइड वाला फॉर्म है. तो इस फॉर्म में सबसे पहले हमें क्या चाहिए. फर्स्ट देखो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका एक्स वाई और जेड क्या है. ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करने में यही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू अच्छे तरह से फाइंड कर ली तो डेफिनेटली आप पूरी क्वेश्चन को इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं. हम ट्राई करते हैं. सबसे पहले हमको दिया है एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर अगर हम यहां बनाना चाहें तो व्हाट वी कैन राइट. फोर को हम टू इंटू टू लिख सकते हैं. दैट इज टू एक्स इंटू टू एक्स. एक्स और क्रॉस में आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं डॉट लगा रहा हूं यहां. प्लस अब यहां देखिए नाइन को अगेन हम फैक्टराइज कर सकते हैं. दैट इज थ्री इंटू थ्री. सो थ्री वाई इंटू थ्री वाई. ओके नेक्स्ट 16. 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का. तो 4z इंटू 4z. प्लस अगर आपने ये तीनों चीज एग्जैक्टली आइडेंटिफाई की है आप इसको वेरीफाई कर लीजिए. भले ही 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर 3 3 का 9 वाई स्क्वायर यस 4 4 का 16 जेड स्क्वायर यस. मतलब हमने x की y की और z की वैल्यू फाइंड की है. दैट इज 2x 3y 4z. अगर आपने माइंडसेट में ये कर लिया तो रिमेनिंग पार्ट आप इजीली इसी की हेल्प से लिख सकते हैं. कैसे. सबसे पहले हमें चाहिए फॉर्मूले में 2xy. तो हमने 2 लिखा. x की वैल्यू यहीं से कॉपी कर लो 2x. y की वैल्यू भी यहीं से कॉपी कर लो 3y. कॉपी करना है लेकिन वेरीफाई भी करना है. कॉपी करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉपी कर लिया और वेरीफाई नहीं किया. वेरीफाई नहीं किया तो हो सकता है हमने कुछ गलत किया. तो वेरीफाई करने के लिए हमने अगेन मल्टीप्लाई किया. 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एक्स वाई. तो क्या 12 एक्स वाई था. यस वी आर राइट. ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं. 24 वाई सेट है यहाँ. तो हमें अभी इसको वेरीफाई नहीं करना. पहले हम अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं. तो हमारे पास क्या था 2 वाई सेट. तो यहां हमने लिखा प्लस 2 वाई. वाई की वैल्यू कितनी होगी. तो यहाँ वाई की वैल्यू है आप देख रहे हैं 3y. तो यहां हमने लिखा 3y. जेड की वैल्यू कितनी है. जेड की वैल्यू है यहां पर 4z. तो 4z लिखा. अब ये तो हमारा कॉपी पेस्ट वाला तरीका हो गया कि हमने कॉपी करके सब डायरेक्टली लिख लिया. बट मैंने आपको बोला है कि वेरीफाई भी करना है. इसको वेरीफाई किया. 2 3 जा 6 6 4 जा 24. यस 24 वाई जेड. यहां तक तो ठीक है.
लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि सर यहां अपन ने प्लस लिखा और यहां माइनस है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अब आप देखिए यहां पर आ रहा है वाई एंड जेड, यहां पर वाई आया था तो क्या उसने माइनस दिया था? नहीं। एक्स भाई साहब आए थे, उन्होंने भी क्या माइनस दिया था? नहीं। मतलब ये माइनस किसका पॉसिबल हो सकता है? जेड का। तो हम अभी यहां कर देते हैं माइनस फोर जेड, हमने अभी पॉसिबिलिटी किया है, कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट स्टेप और कर देगी, प्लस टू जेड एक्स, प्लस टू जेड एक्स, टू जेड एक्स मीन्स टू तो अगेन हमने डायरेक्टली लिख लिया, यहां से अगेन हमें क्वेश्चन को देखना है जेड और एक्स, फोर जेड एंड टू एक्स। अगेन आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहां चाहिए, देखो मैंने अभी केवल डॉट डॉट लिखा है, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन एक्स जेड, तो यहां सिक्सटीन एक्स जेड पर वापस हमें क्या चाहिए? माइनस। मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं या तो जेड का माइनस होगा या एक्स का होगा, तो एक्स तो हम यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्स आया था लेकिन उसने माइनस नहीं दिया, मतलब हम अब कंफर्मेशन से कह सकते हैं कि ये माइनस किसका होगा? जेड वाली टर्म का ही होगा। सो हमने यहाँ जेड में माइनस अब अप्लाई कर दिया, यहाँ भी अप्लाई हो, यहां पर भी माइनस फोर जेड, माइनस फोर जेड होगा, तो दैट इज माइनस एंड माइनस फोर जेड। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने माइनस किस जेड को ही क्यों दिया। अब हम कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से और डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू हम कितने ले सकते हैं? हम टू एक्स, देखिए यहां से वाई की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं? थ्री वाई, एंड जेड की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? दैट इज माइनस फोर जेड। नाउ इजीली आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आप अगेन लिखेंगे यहाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ये आपने आइडेंटिटी यहाँ लिख दी। अब आप यहाँ से क्वेश्चन में वैल्यू पुट अप कर दीजिए, फर्स्ट हमारे पास आता है एक्स, तो एक्स की वैल्यू है टू एक्स, फिर आता है वाई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई प्लस थ्री वाई, फिर आता है प्लस जेड, पर प्लस की जगह मेरे पास माइनस फोर जेड है, तो वैसा मेरे पास मैंने अप्लाई कर दिया माइनस फोर जेड और पूरे का स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया तीन वेरिएबल वाली टर्म का, यानी कि इस आइडेंटिटी से हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से तीन टर्म का कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं समझ में आया होगा, और आप जो वन रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।